कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए। दूसरी ओवर के तीसरी गेंद पर कोलकाता के लिए पहला झटका। बेंगलोर के लिए मोहम्मद सिराज ने सफलता हासिल की। त्रिपाठी ने देखा कि तीसरे व्यक्ति की ओर, लेकिन वह एक बाहरी छोर प्राप्त कर रहे थे जो कीपर की दाई ओर जाते हैं और डेविलियर्स उस तरफ बैठे और आसानी से कैच किए। बेंगलोर के लिए ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। अगले ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने एक और विकेट हासिल किया। मोहम्मद सिराज अब हैट्रिक पर। तीसरी ओवर के दूसरी गेंद पर शुभमन गिल आउट हो गए। यह कोलकाता कैंप में क्या हो रहा है? क्या कोई पार्टी की योजना है? वे यहाँ नौ पिनों की तरह क्यों गिर रहे हैं? गेंद से बाहर गेंद गिल को खींचने के लिए लग रहा था, लेकिन वह एक शीर्ष बढ़त मिल रही थी। यह शॉर्ट मिड विकेट की तरह हवा में उछला। कोहली ने वह मॉरिस को सबसे सुरक्षित क्षेत्र शशकों में एक ऐसे रूप में तैनात किया था। मॉरिस गेंद के नीचे और गेंद आसानी से उनके हाथ पर। अगले ही गेंद पर टॉम बेंटन ने गेंदबाज की दाई और बाउंड्री पर लंबे समय तक खूबसूरती से चलाया और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह पहला चौका। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम बेंटन शॉर्ट बॉल को स्विंग करते हुए फूल किए, इसे गहरे स्क्वायर लेग से ऊपर उछालकर अच्छा शॉट मारते हुए पहला छक्का लगाया। लेकिन चौथी ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम बेंटन भी आउट हो गए। मोहम्मद सिराज के लिए एक और। वे आज पूरी जोश के साथ विकेट पे विकेट गिरा रहे हैं। सातवीं ओवर के तीसरी गेंद पर कोलकाता के लिए चौका। पूर्ण और बाहर मॉर्गन ने एक सीमा के लिए कवर के माध्यम से खूबसूरती से स्ट्रोक किया। आठवीं ओवर की आखिरी गेंद पर मॉर्गन बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए बल्ला को घुमा के छक्का लगाया। नवी ओवर की चौथी गेंद पर चाहल के बॉलिंग में दिनेश कार्तिक LBW हो गए। कोहली से इस बार अच्छी समीक्षा। लेग ब्रेक गेंदबाजों के खिलाफ कार्तिक का खराब रन आउट, विशेषकर गलत संयुक्त रूप से जारी है। कार्तिक आगे बढ़े और ब्लॉक करने के लिए दिखे, लेकिन पेड़ पर हिट करने के लिए याद करें। चाहल ने LBW की अपील की, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर की दिलचस्पी नहीं थी। कोहली के साथ उनकी एक लंबी बातचीत के बाद इसे ठीक समय पर ले लिया। तेरवा ओवर के तीसरे गेंद पर एक और चित। पैट कमिंसन का संघर्ष समाप्त हुआ। चाहल को सत्र के लिए खेल का दूसरा और शिकार नंबर 15 प्राप्त हुआ। चाहल इसे अच्छी मात्रा में हवा दिए और इसे धीमी गति से गेंदबाजी करे। कमिंसन लंबे समय से अधिक जाने के लिए लग रहे थे, लेकिन पैडिकल बिना कोई गलती किए गेंद को कैच कर लिया। 15 ओवर के आखिरी गेंद पर मॉर्गन ने इसे गहरी स्क्वायर लेग बाउंड्री पर लपक लिया। 16 ओवर के तीसरे गेंद पर फिर एक चौका। पूर्ण और चारों ओर मॉर्गन एक स्लॉग स्वीप करते हुए और इसे गहरे मध्य विकेट के सीमा तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगले ही गेंद पर मॉर्गन आउट हो गए। बेंगलोर के लिए यह बड़ा विकेट था। उनके डगआउट में भारी जश्न। मॉर्गन 34 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हुए। सत्रह ओवर की पहली गेंद पर फर्ग्यूसन ने लगाया चौका। उन्होंने इस पर एक प्रहार लगाया। गेंद बाहर के किनारे से आई थी और स्लीप पर कोहली के बाई ओर गई और गेंद बाउंड्री क्रॉस हुआ। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने डीप मिड विकेट की दिशा पर चौका लगाया, लेकिन इनिंग्स के आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव रन आउट हो गए और कोलकाता ने अपनी पारी की आखिरी गेंद पर एक रन कम लिया। पूर्ण और चारों ओर फर्ग्यूसन इसे लंबे समय तक हवाई रूप से मारे, ये वहां के क्षेत्र शशकों उछाले। कोलकाता ने दो विकेट लिए
थ्रो गेंदबाज के अंत में आए। कोलकाता 8 विकेट की नुकसान पर सिर्फ 84 रन बना पाए। बैंगलोर की ओवर से गेंदबाजी का प्रदर्शन क्या खूब रहा। लीग के दौरान एक तरफा बैंगलोर के लिए प्रशंसा के शब्द हैं, लेकिन इस सीजन में वे शानदार रहे। कोलकाता का एक निराशजनक बल्लेबाजी प्रदर्शन। आरसीबी के खिलाड़ी लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में सिंगल रन बनाए, फिर बाद में तीसरी ओवर के तीसरी गेंद पर पाड़ीकल ने लगाया चौका और चौथी ओवर की चौथी गेंद पर फिर एक बार पाड़ीकल ने मिड ऑफ में मारते हुए चौका लगाया। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर फिंच ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए चौका लगाया। पांचवी ओवर की आखिरी गेंद पर फिंच ने बहुत ही खूबसूरती से बल्ला मार के चौका लगाया, हालांकि लेग साइड में गहरे दो फील्डर थे, फाइन लेग और डीप स्क्वायर, फिर भी गेंद बाउंड्री क्रॉस कर गई। छठी ओवर के तीसरे गेंद पर पाड़ीकल को एक सीमा मिली, शॉट और आउट ऑफ पाड़ीकल ने इसे काट दिया। बैकवर्ड पॉइंट उसकी बाई ओर की दिशा से माध्यम होकर बाउंड्री क्रॉस हुआ। सातवीं ओवर के दूसरी गेंद पर फिंच आउट हो गए। कोलकाता को आखिरकार एक विकेट। फिंच पहले से ही नीचे आ रहे थे, इस बार अपनी क्रीज पर टिके हुए, लेकिन उन्हें बाहर की बढ़त मिली। चारों ओर से गुड लेंथ बॉल, फिंच ड्राइव करते दिखे, लेकिन ऐसा करना थोड़ा बहुत करीब था। हालांकि आसान कैच और कार्तिक कभी नहीं चुकने वाले। उसी ओवर की चौथी गेंद पर कोलकाता को एक और विकेट मिली। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए पाड़ीकल 17 गेंदों पर 25 रन बनाकर रन आउट हो गए। नवी ओवर की चौथी गेंद पर गुरकीरत सिंह ने बहुत ही बढ़िया चौका लगाया। दसवीं ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली ने शानदार चौका लगाया। कोहली ने एक सीमा के लिए इसे अंतिम रूप से काट दिया। दसवीं ओवर की पांचवी गेंद पर गुरकीरत सिंह ने एक और चौका लगाया। बारहवीं ओवर की तीसरे गेंद पर सिंह ने फिर एक और बार चौका लगाया। अगले गेंद में गुरकीरत सिंह ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के लिए ऊपर की ओर घुमाते हुए चौका लगाया। 13वां ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली डीप मिड विकेट की दिशा से चौका लगाए। आरसीबी इस मैच को 8 विकेट से जीत। बैंगलोर के लिए एक व्यापक जीत और इस हावी जीत के साथ बैंगलोर 14 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई।